दुमका यूं तो कहने के लिए झारखंड की उपराजधानी है, लेकिन आज आलम यह है कि उपराजधानी के नाम पर यहां पर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसने हाल के दिनों में नेशनल मीडिया तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब झारखंड में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में दुमका विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे और समस्याएं क्या है ये आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए आप झारखंड की जनता ही राज्य में सरकार का गठन करेंगे, आप ही विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। वीडियो के पहले भाग में हमने दुमका विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि और इस बार की चुनावी समीकरण पर चर्चा की थी। यह दूसरा भाग है और इसमें हम क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे अपने इस नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड के जरिए। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। दुमका विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं की बात करें तो यहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुमका भले ही झारखंड की उपराजधानी है, लेकिन इसके विधानसभा क्षेत्र में आज भी रोजगार का कोई साधन नहीं है। कोई फैक्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण आज तक नहीं हुआ जिसके जरिए लोग अपनी रोजी रोटी चला पाए। वहीं खेती बाड़ी के मामले में भी यहां पर लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। इस वजह से क्षेत्र के लोग पड़ोसी राज्यों और मेट्रो सिटीज में पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरे दूसरे राज्यों में जाकर ये लोग खेती बाड़ी या मजदूरी का काम करते हैं। शिक्षा के मामले में भी कोई विकास का काम देखने को नहीं मिला है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि खासकर प्राइमरी एजुकेशन का हाल बेहाल है, शिक्षकों की भी घोर कमी है। इस वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल पर ही निर्भर होना पड़ता है, लेकिन पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं है। वहीं हायर एजुकेशन के मामले में स्थिति कुछ बेहतर बताई जाती है, लेकिन उसमें भी शिक्षकों की कमी देखने को मिलती है। सिदो कान्हू विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग भी यहां जोर शोर से उठती रही है, लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य के मामले में भी दुमका विफल साबित होता दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में केवल एकमात्र सदर अस्पताल ही है, पूरे संथाल परगना के लोग इसी एक अस्पताल पर निर्भर हैं। यहाँ पर फूलो झानो अस्पताल के निर्माण की बात हुई थी, पर आज तक यह वादा धरातल पर नहीं उतर सका। गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों को रांची के रिम्स या फिर पड़ोसी राज्यों पर ही आश्रित होना पड़ता है। रिम्स की ही तर्ज पर दुमका में सरकारी अस्पताल बनाने की मांग उठ रही है। क्षेत्र में कोयले की डंपिंग यार्ड है। पाकुड़ और संथाल परगना के अन्य इलाके के कोल माइंस का कचरा दुमका के डंपिंग यार्ड में ही डंप किया जाता है, जिससे प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ रही है। इसके अलावा हाल के समय से दुमका में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर दुष्कर्म की घटनाओं में काफी इजाफा देखने को मिला है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर यह इलाका बदनाम हो रहा है। आपराधिक घटनाओं में लगाम कसने को लेकर आज तक कोई पहल नहीं की गई, ना ही महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई ठोस कदम उठाए गए। क्षेत्र के प्रतिनिधि की बात करें तो बसंत सोरेन यहाँ से विधायक हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। शहरी इलाकों में कुछ विकास के काम हुए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह अपनी पहुंच नहीं बना पाया है। वहीं क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत रूप से छवि भी कुछ ठीक नहीं बताई जाती है। लोगों का कहना है कि एक प्रतिनिधि होने के बावजूद वह क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, ना तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी नजर आते हैं, ना ही लोगों की समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं। इलाके के लोग उन तक अपनी पहुंच भी नहीं बना पाते। ऐसे में इस बार जेएमएम की नैया पार लगना तो मुश्किल साबित हो रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। अब देखना यह होगा कि दुमका में इस बार तीर कमान चलता है या फिर कमल खिलता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये नया सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।